पूरी करो, पूरी करो। चटिया वाले वापस लो, वापस लो, वापस लो। अच्छी का देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। अगर सरकार हमारी मांगों को नजरअंदाज करती है तो हम परीक्षा का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। महिला घर में भी जॉब करती है, बाहर भी जॉब करती है, उसके बाद घर लौटने के बाद भी जॉब करती है। उसका जो पदाधिकारी है तानाशाही सनकी पागल के पाठक। जब आप सरकार से अलग थे तब शिक्षक के हित के बात करते थे और आज जब सरकार के साथ आ गए हैं तो उसका सुर बदल गया है। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा बिहार राज्य के शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा लेने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइन को लेकर बिहार के नियोजित शिक्षकों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए कलमदाबाद प्रखंड में बिहार शिक्षक एकता मंच के आह्वान पर शिक्षकों ने बीआरसी भवन के समीप सक्षमता परीक्षा हेतु गठित समिति के निर्णय के प्रति जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस नई गाइडलाइन के तहत बिहार राज्य के प्रारंभिक माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित नियोजित शिक्षकों की परीक्षा 26 फरवरी को ली जाएगी, जिसमें बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों का शामिल होना अनिवार्य है। इसी को लेकर शिक्षकों में आक्रोश देखा जा रहा है। इस मौके पर कई शिक्षकों ने कहा कि बिहार सरकार ने बीपीएससी शिक्षकों की परीक्षा ऑफलाइन लिया है और हम लोगों की परीक्षा ऑनलाइन लिया जा रहा है। वहीं शिक्षकों ने अपनी 5 मांगों को रखते हुए कहा कि दक्षता एवं पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए, नियोजित शिक्षकों के राज्य कर्मी हेतु सक्षमता परीक्षा के प्रावधानों को समाप्त किया जाए और अवकाश तालिका पूर्व की भांति लागू की जाए, सहित अन्य मांगे शामिल हैं। समन्वय समिति के आह्वान पर आज हम लोग बीआरसी कार्यालय में एकत्रित हुए हैं। हम लोग सरकार से लगातार मांग करते आ रहे हैं। हम लोगों का मांग है ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाए और परीक्षा जो है ऑफलाइन लिया जाए, क्योंकि हम लोग जो है अंतिम पड़ाव में है और इस उम्र में हमारे शिक्षक भाई बंधु जो है ना तो कंप्यूटर का ज्ञान है उसको और ना ही हम लोग को कंप्यूटर का दर्शन हुआ है। इसलिए हमारी मांगे हैं सरकार से कि नियमावली को सुधार करते हुए हमें ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाए और परीक्षा जो है ऑफलाइन लिया जाए। अगर सरकार हमारी मांगों को नज़रअंदाज करती है तो हम परीक्षा का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। हम लोग से मंतव्य भी मांगा गया था, मंतव्य में हम लोग ईमेल भी किए हैं, अपनी हर जो कठिनाई है सबको बताए हैं। और सर, महिला पुरुष तो बस दूर भी रहेंगे तो वो जॉब कर लेंगे। महिला घर में भी जॉब करती है, बाहर भी जॉब करती है, उसके बाद घर लौटने के बाद भी जॉब करती है। और हम लोग का टाइम टेबल पे प्रॉब्लम है सर, हम लोग 5 बजे है और हम लोग ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, हम लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं। अगर एग्ज़ाम लेना था तो फर्स्ट में ही एग्ज़ाम देते। अब बीपीएससी का नशा कहाँ से चढ़ गया। हम लोग बीपीएससी टीचर नहीं बनेंगे, हम जो टीचर हैं वही रहेंगे और एक चीज ट्रांसफर नहीं होगा तो हम लोग नहीं एग्ज़ाम देंगे। जिसको हटाना है वो हटा ले, कोई दिक्कत नहीं है सर। मांगी पूरी नहीं होती है तो हम लोग जैसे है बने वैसे ही बने रहेंगे और परीक्षा का हम लोग विरोध करते हैं अगर एक चीज ट्रांसफर नहीं मिलेगा तो। हम लोगों का जो आंदोलन है पहले से प्रस्तावित था, जैसा कि शिक्षक संगठन के बीच में हम सभी का सरकार से मांग था, उसी के आज से शुरुआत कर रहे हैं। हम लोगों का मांग था कि दक्षता और पात्रता उत्तीर्ण जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं उनको बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। दूसरा है कि नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी हेतु सक्षमता परीक्षा के प्रावधान को समाप्त किया जाए। और तीसरा था ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान दिया जाए, क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं, शिक्षिकाएं हैं, वो लोग अपने घर के आसपास काम कर रही है, अगर ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे जगह तो उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और ता है अवकाश तालिका के संबंध में जो है कि उसको यथावत रखा जाए, उसमें बहुत अधिक परिवर्तन किया जा रहा है और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो इसका आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे। गौरतलब है कि नई गाइडलाइन के अनुसार बिहार के नियोजित शिक्षक पहले सक्षमता परीक्षण उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो उन्हें दोबारा और फिर तिबारा मौका दिया जाएगा। अगर तीसरी बार भी वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।
इधर आजमनगर प्रखंड के नियोजित शिक्षकों ने भी प्रखंड मुख्यालय प्रांगण में इस नए आदेश की प्रतिलिपि जलाकर विरोध प्रकट किया। ये सभी नियोजित शिक्षक बिना शर्त राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब अपने वादे से मुकर रही है। नियोजित शिक्षक अब करो या मरो के तर्ज पर नई नियमावली के विरुद्ध सड़क पर उतर चुके हैं। इन सभी नियोजित शिक्षकों का कहना है कि राज्य सरकार अपना तुगलकी फरमान वापस ले, नहीं तो आंदोलन और उग्र होगा। अपने विरोध प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हुए शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद मिनहाज, मोहम्मद अंजार आलम और श्रवण पाल आदि शिक्षकों ने बिहार सरकार को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि बिहार सरकार अपने वादे से पीछे ना हटे, नहीं तो आर पार की लड़ाई की जाएगी। ये जो परीक्षा होगा तो हम लोग जो 9 से 5 बजे तक स्कूल करते हैं, इसमें तो हम लोग पूरा पठन पाठन स्कूल में देते हैं, टाइम देते हैं, लेकिन हम लोग कब तैयारी करेंगे? हम लोग पूरा दक्षता पास करके आए हैं, DLED किए हैं और उसके बाद फिर और बहुत सारा प्रशिक्षण लिए हैं विभाग से, तो फिर हम लोग तो दक्ष, तो इससे पता चलता है कि हम लोग दक्ष है। सरकार को ये समझना चाहिए कि हम लोगों को बिना शर्त राजकर में देना होगा। जब NDA की सरकार अलग थी नीतीश कुमार से, तो शिक्षकों के हित में बात करते थे, लेकिन अभी आने के बाद उसका सुर बदल गया है। मैं पूछना चाहूँगा NDA सरकार को, जब आप सरकार से अलग थे तो आप शिक्षकों के हित के बात करते थे, शिक्षकों का जो है क्या कहता कि राजकर्मी का दर्जा देंगे, शिक्षकों के साथ इंसाफ होना चाहिए। ये शिक्षा विभाग का जो नई नियमावली आई थी, विशेष शिक्षक नियमावली, जिसमें प्रावधान था कि हम लोगों को 3 बार परीक्षा लेगी सरकार, उसमें सरकार बोली थी मामूली परीक्षा लेंगे और आपको राजकर्मी का दर्जा देंगे, जो पुराने शिक्षक के बराबर सारा चीज़ सुविधा होगा। लेकिन उसमें अंदर खाने में जब वो नियमावली पास होने गई तो उसमें कुछ और ही निकला। जब निकला तब हम लोग को पता चला कि ये हम लोगों के खिलाफ है और हम लोग का विरोध में है सारा चीज़। इसीलिए हम लोगों ने इस बीच में फिर जब हम लोगों ने फोरम का बहिष्कार करने लगा तो उन्होंने एक लेटर निकाला है, जो 3 बार अगर परीक्षा में नहीं बैठेगा या 3 बार बैठ के पास नहीं करेगा उसको सेवा से हटा दिया जाएगा। ये उनका कमेटी का रिपोर्ट सरकार को दी। इस वजह से हम लोग उस लेटर का विरोध में कल पटना में राज्य स्तरीय में कल प्रति जलाया था सभी राज्य स्तरीय नेता लोग। आज हम लोग पूरे प्रखंड के नियोजित शिक्षक मिल के इनका प्रति जला के विरोध प्रदर्शन का और चेतावनी देते हैं कि अगर आज भी सरकार समझ जाए वो इस नियमावली को वापिस ले, अन्यथा बिहार का चक्का और रोड सारा कुछ जाम करने के लिए नियोजित शिक्षक आर पार की मूड में अब तैयार है। अब करो या मरो की इसमें आ गए हैं, क्योंकि सारे शिक्षक, नियोजित शिक्षक के जितने संगठन थे, सारा संगठन एक होके अब शिक्षक एकता मंच बना करके पूरे बिहार में लड़ाई की शंखनाद कल से कर दिया है। इसी कड़ी में बीच बीच में जिला में प्रदर्शन है, उसके बाद 13 तारीख को विधानमंडल में ऐतिहासिक घेराव और ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा, जो 4 लाख शिक्षक पटना के धरती में पैर जाएंगे और नीतीश कुमार का होश उड़ा देंगे।